Hello everyone, Rahul Sharma this side from Equity 99. My dear subscribers, followers and my friends, very great day to all of you and to your family. This is Daily Market Outlook and Important Stock web video series from Equity 99 for 30th September 2020. So we welcome you all. First, Nifty levels हम यहाँ पे देखेंगे. तो 30 सितंबर 2020 के लिए जो निफ्टी लेवल आ रहे हैं उसमें लास्ट क्लोजिंग हमें मिली थी निफ्टी की 11,222.40 पे. अब 11,167 का जो लेवल है वो एक सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट है. अगर ये लेवल्स तोड़ के अगर निफ्टी नीचे जाती है तो 11,111 से लेके 10,988 तक के लेवल्स तक आपको जाती हुई दिखेगी. अपर साइड में हम बात करें तो 11,291 का सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल है. इसके अगर ये ऊपर क्रॉसओवर इसका होता है निफ्टी का तो 11,360 से लेके 11,485 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे निफ्टी के अंदर. अब बात करते हैं बैंक निफ्टी लेवल्स में. तो बैंक निफ्टी में 21,411.30 की हमें लास्ट क्लोजिंग मिली थी. अब 21,190 का जो लेवल है वो पहला सपोर्ट लेवल है. अगर बैंक निफ्टी इसको तोड़ के नीचे जाती है तो नीचे की तरफ आपको निफ्टी जो है अगले लेवल्स उसके लिए बैंक निफ्टी के लिए 20,970 से 20,440 के लेवल्स तक आपको जाती हुई दिख सकती है. ये इनके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सपोर्ट लेवल है. अब अपर साइड में देखें तो 21,721 का सबसे पहला रेजिस्टेंस पॉइंट है, हर्डल बोल सकते हैं इसको. और इसके क्रॉसओवर होने के बाद में बैंक निफ्टी जो है 22,032 से लेके 22,562 के लेवल से 563 के लेवल्स तक आपको जाती हुई दिखेगी अपर साइड में. दोस्तों बिकॉज मार्केट इज़ टू मच वॉलेटाइल और अभी यूएस के इलेक्शंस भी अभी आने वाले हैं तो ग्लोबल मार्केट में भी हलचल बनी हुई है. वॉलेटिलिटी के कारण आप लोग का कैपिटल प्रोटेक्शन ना हो तो इसलिए हम आपको यहाँ पे कॉशियस रह के ट्रेड करने के लिए बोलते हैं, समझाते हैं. जितने भी नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ में या नए इन्वेस्टर्स हैं उनको मेरा सजेशन रहेगा कि आप सभी लोग लो क्वांटिटी में ट्रेड करें जब तक कि वॉलेटिलिटी स्थिर नहीं हो जाती है. सो थैंक यू सो मच. दिस वॉज राहुल शर्मा फ्रॉम इक्विटी 99. हैव अ नाइस डे.